स्टूडेंट्स टुडे विल स्टार्ट द टॉपिक दैट इज अ गैस लॉस. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैस लॉस जस्ट सी आउट. इफ सपोज एनी गैस वॉन्ट्स टू बिकम एन आइडियल गैस, अगर कोई गैस अपने आप को आइडियल गैस में कन्वर्ट करना चाहती है और इट वॉन्ट टू बी एन आइडियल गैस, देन दिस पर्टिकुलर गैस will have to follow some laws which are combinedly said to be gas laws. So gas laws kya simple definition bhi agar kare, these are the, I can write the definition here, gas laws, these are the laws which must be fulfilled by a gas to become an ideal gas. अगर कोई गैस बेटा ideal गैस बनना चाहती है तो उसे कुछ laws को follow करना होगा. These laws are collectively said to be the gas laws. And these are four laws: Boyle's law, Charles law, Amundsen's law and Avogadro's law. So today we'll discuss Boyle's law. So आज का जो main topic है वो आपका Boyle's law है. Just see out. So Boyle's law. So what Boyle's law says, that at constant temperature, the volume occupied by the gas, that is V, is inversely proportional to the pressure, P. What is the meaning of inversely proportional? अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगी, ठीक है, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा. तो पहले हम इसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देखते हैं. जस्ट सी आउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ. वॉट इज द एक्सप्लेनेशन? और यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर करना है, जब आप ऐसे लिखोगे then you have to note T. ये T यहाँ लिखना है. यहाँ पर जो क्वांटिटी आप लिखोगे इट मीन्स वो चीज़ क्या है, कॉन्स्टेंट. तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वॉट इज द मीनिंग, सी आउट. दो ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आई हैं, इफ द प्रेशर इंक्रीजेस देन द वॉल्यूम डिक्रीजेस, एंड सेकेंड इज इफ द प्रेशर डिक्रीजेस देन द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस, और ये सारा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है. तो चलिए इसका रीजन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल. बेटा अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इफ़ यू इंक्रीज द प्रेशर तो गैस मॉलिक्यूल्स दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर. फर्स्ट पॉइंट, इफ द प्रेशर इंक्रीजेस द गैस मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोजर टू ईच अदर, वो नज़दीक आएंगे, ठीक है ना, एंड हैंस द वॉल्यूम डिक्रीजेस. पार्टिकल अगर नज़दीक आएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगी. ऑन द अदर साइड यहाँ पर हमने क्या करा, If the pressure decreases, हमने प्रेशर डिक्रीज किया तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर जाएंगे, दे विल मूव अपार्ट. गैस मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट, गैस मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, और वो दूर जाएंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी क्लियर कि जो वॉल्यूम होगी वो क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी, एंड हेंस द वॉल्यूम इंक्रीजेस. तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन है. वॉट इज द लॉ, एक बार फिर से देखते हैं. At constant temperature, volume occupied by the gas is inversely proportional to the pressure. अब इसको थोड़ा आगे continue करते हैं. Just see out. ये हमारा explanation हो गया, definition हो गया. चलिए next, just see out. So what we have done? V is inversely proportional to pressure. So when we remove this proportionality sign, I'll get a constant K and P as it is. This K is said to be Boyle's constant. Clear? And this K is equal to P into V. ठीक है, तो Boyle constant की definition क्या है? Boyle's constant is the product of pressure and volume of a gas at
constant temperature. Now see the units of Boyle's constant. Boyle's constant की unit. बेटा वी नो कि जो प्रेशर की यूनिट है एटमॉस्फेयर, और अगर आपने वॉल्यूम लीटर में लिया है तो बॉयल कांस्टेंट क्या होता है, पी इंटू वी. तो यूनिट विल बी आइदर यू विल राइट एटमॉस्फेयर लीटर और यू विल राइट लीटर एटमॉस्फेयर. तो ये डिपेंड करेगा कि आप कैसे उसको यूनिट को लेके चल रहे हो, ठीक है ना. तो नॉर्मली हम जो लेते हैं वो लीटर एटमॉस्फेयर में लेके चलते हैं, ठीक है ना. ये चीज़ ध्यान रखनी है. अगर आप कोई और यूनिट लोगे तो यहाँ पर मेंशन कीजिएगा, तो यूनिट्स आपकी चेंज होंगी. तो बट मोस्ट कॉमन जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में शो करते हैं और वॉल्यूम हम लीटर में. सो देयरफॉर जो सबसे कॉमन यूनिट है वो क्या है, आपकी लीटर एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर लीटर. मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द लॉ, लॉ का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ठीक है ना. दिस इज ऑल्सो सेट टू बी द एक्सपेरिमेंटल वेरीफिकेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ. हम इसको एक्सपेरिमेंटल वेरीफिकेशन भी बोल सकते हैं. सो देखिए बेटा, मेरे पास एक सिस्टम है जहाँ पर वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P1, क्लियर, ठीक है. इफ आई चेंज द प्रेशर, और यू कैन से इफ प्रेशर इज चेंज्ड, तो जो प्रेशर है वो P1 से क्या हो गया बेटा, P2. तो वॉल्यूम भी V1 से क्या हो जाएगी, V2. Clear to all of you? So what I have done, if the pressure is changed, then volume also changes. तो pressure हमने change किया P1 से P2, तो volume भी V1 से क्या change होगी, V2. So ये हमारी initial condition है और ये हमारी final condition है. यहाँ पर अगर आप Boyle's constant calculate करोगे, P1 V1, number one equation. यहाँ पर जो बॉयल कांस्टेंट होगा के, इट इज़ इक्वल टू पी टू वी टू. दिस इज इक्वेशन नंबर टू. नाउ फ्रॉम वन एंड टू, पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू. दिस इज आल्सो द अनदर फॉर्म ऑफ, यू कैन से दैट इज बॉयल्स लॉ, P1 V1 equals to P2 V2. अगर इनिशियल और फाइनल इक्वल हो तो हम ये भी कह सकते हैं जो PV है वो आपका कांस्टेंट होगा, दैट इज इक्वल टू K. सो ये हमने किया मैथमेटिकल ट्रीटमेंट और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ. नाउ वी हैव टू डू द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट. नाउ द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ. सो वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट क्या है आपका, बॉयल्स कॉन्स्टेंट, ठीक है. सो द सेकेंड डेफिनेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट एंड इज इक्वल टू बॉयल्स कॉन्स्टेंट. सो ये आपको सेकेंड डेफिनेशन है जो ध्यान रखना है, डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, और उस कॉन्स्टेंट को हम क्या कहेंगे, बॉयल्स कॉन्स्टेंट, क्लियर. सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट, वी विल डू द ग्राफिकल डिटेल्स ऑफ द बॉयल्स लॉ. सॉरी, ग्राफिकल डिटेल्स. सो ग्राफिकल डिटेल से पहले कुछ चीज़ें समझिए यहाँ पर, कि जो हमने करा है. सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इस चीज़ को ध्यान रखना है. फिर वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट. फिर बेटा यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि वी इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से जो वी आएगा दैट इज के अपॉन पी, और यहाँ से अगर आप पी निकालोगे तो वो भी क्या आएगा, के अपॉन वी. तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना. चलिए नाउ द फर्स्ट ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस. तो रिलेशन देखिए, जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है. सो वी विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ. इस ग्राफ में क्या है, जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है ऑन द अपर साइड, प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है ना. तो जो प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये जो ग्राफ है बेटा
प्रेशर अगर आपका इंक्रीज है, घी क्लियर, एज सुन एज द प्रेशर प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है ना, क्या होगा? अब देखिए, जब ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ये ग्राफ इस डायरेक्शन में आ रहा है, ध्यान से देखिए, प्रेशर ऐसे इंक्रीज हो रहा है, तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा द वॉल्यूम डिक्रीजेस, क्लियर? दिस इज द फर्स्ट ग्राफ बिटवीन द, यू कैन से, प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस. नाउ द सेकेंड ग्राफ, सेकेंड ग्राफ वी विल ड्रॉ बिटवीन द प्रेशर एंड 1/V. चलिए, अब यहां से थोड़ा सा आपको डिटेल में स्टडी कराता हूं कि ग्राफिकल डिटेल क्या होती है. तो पहले हम नोट करेंगे कि जो हमारा PV है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है. यहां से जो P होगा दैट इज K/V, और इसको मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू 1/V × K. अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देर इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको ध्यान करना है आप. देर इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx+c. तो आपको अपनी इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, और उसके साथ मैच करना है. तो मैं ये जो इक्वेशन है इसको मैच करूंगा किसके साथ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ. तो देखिए, मैं लिख रहा हूँ p इज इक्वल टू 1/VK प्लस, कुछ नहीं है मेरे पास तो जीरो लिख दीजिए. सो यहां पर मैं y एक्सिस पे क्या लूंगा, व्हाट विल आई टेक, प्रेशर. ग्राफ साथ के साथ ड्रॉ करेंगे सो देट किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. वाई एक्सिस पे मैं क्या लूंगा, प्रेशर. ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहां पे क्या लिया हमने, प्रेशर. नाउ यहां पर अब एक चीज आपको ध्यान करनी है, ये जो क्वांटिटी है ये एम और एक्स का मल्टीप्लीकेशन है. तो यहां पर अब ये चीज इन दोनों में से जो भी चीज वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस पर जाएगी. तो के तो कांस्टेंट है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, के 1/V. अब ये वेरिएबल आ गया तो ये 1/V वेरिएबल जो है ये कौन सी एक्सिस पर जाएगा, एक्स एक्सिस पर. अब सी होता है आपका इंटरसेप्ट. बेटा यहां पे इंटरसेप्ट जीरो है, इसका मतलब जो ग्राफ हो बिल्कुल आपका इस ओ पॉइंट से शुरू होगा. कहां से, ओ पॉइंट से, क्लियर. अब इतना चीज तो क्लियर हो गया कि इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन से मेरे को क्या पता चला कि अगर मैं प्रेशर और को वाई एक्सिस पे लूं और बेटा व्हाट विल आई से 1/V को मैं एक्सिस पे लूं तो कोई भी इंटरसेप्ट नहीं, यानी ग्राफ मेरा कहां से स्टार्ट होगा, ओ से. अब इनमें रिलेशन देखो क्या है, प्रेशर और 1/V ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो मुझे जो ग्राफ मिलेगा वो ये मिलेगा. अब इस ग्राफ से मैं देखो यहां पर रिलेशन क्या है, P = 1/V × K. सो यहां पर जो स्लोप आपका आएगा, ये जो M होता है ये क्या होता है, स्लोप. तो स्लोप के लिए मेरे पास क्या बचा, K, यानी जो आपका बॉयल कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होगा, स्लोप. ग्राफिकल न्यूमेरिकल बड़े ध्यान से करना है, y यहां पर जो क्वांटिटी है y एक्सिस पर, ये x एक्सिस पर, M का मतलब स्लोप और ये C आपका इंटरसेप्ट. अब स्लोप कैसे निकालते हैं, यहां पर जहां तक आपका ग्राफ है, सपोज आपका ग्राफ यहां तक है, इसको पॉइंट A लेकर चलते हैं y एक्सिस पर और x एक्सिस पर ग्राफ B तक है, तो स्लोप किसके इक्वल होगा, OA/OB. दिस इज द वे टू फाइंड आउट द स्लोप. या फिर आपको वैल्यूज दे रखी होंगी तो आपको देखना है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस, ठीक है ना, ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का जो डिफरेंस है ऑन एक्स एक्सिस. तो ये हमारा जो था ग्राफ, ठीक है ना, और इससे हमने स्लोप और कैसे न्यूमेरिकल करेंगे वो ध्यान रखना है कि जो आपका बॉयल कॉन्स्टेंट है वो किसके इक्वल होगा, स्लोप के इक्वल, ठीक है. चलिए, नाउ द थर्ड ग्राफ, दिस इज द सेकेंड ग्राफ, ग्राफ नंबर 3. सो जो थर्ड ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, द थर्ड ग्राफ इज बिटवीन वॉल्यूम एंड 1/P, वॉल्यूम वर्सेस 1/P. तो वी नो दैट बेटा PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहां से V क्या हो जाएगा आपका, यू कैन राइट K/P, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं K × 1/P, ठीक है, K/1/P भी चल जाएगा V. ओके, नाउ Y = mx+c. अब इंटरसेप्ट जीरो है, कुछ नहीं है इंटरसेप्ट, इसकी वैल्यू जीरो, ठीक है, यानी ग्राफ जो है वो मेरा बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट होगा. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. अब हमें सिंपल सी बात है कि एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, वाई एक्सिस पे क्या लेना है, ये बिल्कुल क्लियर है.
वाई एक्सिस पे क्या लेके चलोगे, वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम एट वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या जाएगा, वन अपॉन पी, ठीक है, क्लियर। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन पी, तो ये मेरे को स्ट्रेट लाइन। अब मैंने यहां ओरिजिन से स्टार्ट किया, ओ पॉइंट से, क्यों, क्योंकि इंटरसेप्ट जीरो है, ठीक है। अब स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू रेट, सॉरी बॉयल कॉन्स्टेंट के, ये जो m है ये क्या है आपका स्लोप, ठीक है। स्लोप निकालने का वही मेथड है, यहां पर आपकी सपोज वैल्यू इस पॉइंट तक दी गई है, यहां पर वैल्यू इस पॉइंट तक दी गई है, तो स्लोप इज इक्वल टू वाई एक्सिस पे ओ ए दिस डिफरेंस बाई दिस डिफरेंस ओ बी, और यहां पर डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। चलिए अब इसके बाद वी आर हैविंग फोर्थ एंड दी लास्ट ग्राफ, फोर्थ एंड दी लास्ट ग्राफ, द फोर्थ ग्राफ इज इन बिटवीन PV versus P. So we know that PV is equal to K constant. तो जो PV है वो बेटा constant है. What does it mean? देखिए PV जो है वो आपका constant है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको straight line में भी लेके चलूं, PV is equal to K, ठीक है, तो Y is equal to MX plus C, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल सा लॉजिक आपको ध्यान में रखना है कि कई बार हम अपने ग्राफ को जो है जिसमें आपकी जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट के इक्वल हो जाती है, तब हम स्ट्रेट लाइन की हेल्प नहीं लेते, तब हमें डायरेक्टली काम करना होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी क्वांटिटी क्या है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी आप एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को ग्राफिकली शो करोगे तो हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की ज़रूरत नहीं है। हम किसका वेरिएशन शो कर रहे हैं, पी वी, तो वेन यू शो द वेरिएशन, जो कि होता नहीं है क्योंकि क्वांटिटी आपकी कॉन्स्टेंट है, वेन यू शो द वेरिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी देन देर इज नो नीड ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसकी नीड नहीं है, डायरेक्टली ड्रॉ करते हैं। हमें ध्यान क्या है, देखिए पी वी कॉन्स्टेंट है, तो यहां पर लीजिए पी वी, यहां पर लीजिए प्रेशर, तो कॉन्स्टेंट का मतलब ये क्वांटिटी आपकी हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। अब आपका राइट साइड में प्रेशर क्या कर रहा है, देखिए जब ये ग्राफ राइट साइड में जा रहा है तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, बट हर पॉइंट पर पी वी की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो ये जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू के है वो ये वैल्यू है आपकी, दिस इज द के कॉन्स्टेंट, और ये के क्या है यहाँ पे, दिस इज द बॉयल्स कॉन्स्टेंट। सो न्यूमेरिकली ध्यान करना कि हम ग्राफ से भी आपको न्यूमेरिकल दे सकते हैं, सो दिस इज रिगार्डिंग द ग्राफिकल डिटेल्स। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ। सो बॉयल्स लॉ की एप्लीकेशन डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा आपसे पॉइंट डिस्कस करूंगा, सो दैट हमें किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। द पॉइंट इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एज वी मूव टू हाई एल्टीट्यूड्स। जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। चलिए ये मैं मान के चलता हूँ ये पूरा एक एटमोस्फेयर है, तो ये आपके एटमोस्फेरिक गैस के मॉलिक्यूल्स, दीज आर दी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटमोस्फेरिक गैसेस, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ये क्या क्रिएट करेंगे, दे क्रिएट द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रेशर इज सेट टू बी द एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये सारे के सारे दे आर क्रिएटिंग द एटमोस्फेरिक प्रेशर, ऐसे लिखते हैं इसको, पी ए टी एम, एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर। सो एंड दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, आई विल राइट सरफेस ऑफ अर्थ,
अब आपको पता है कि ये सारे मॉलिक्यूल जो है प्रेशर इंक्रीज कर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये ध्यान रखिएगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब देखिए, ये मैं एक ड्रॉ करता हूँ, ये इस तरह से मैंने एक ड्रॉ किया है एल्टीट्यूड, मैं जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड पे जाऊँगा। अब ठीक है, मैं यहाँ पर अगर खड़ा हूँ, सपोज़ आप यहाँ पर अगर स्टडी करो, सो यहाँ पर आपके ऊपर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर 4, 1, 2, 3 मॉलिक्यूल्स, या पर्टिकुलरली बात करें 3 मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। पर जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। इस हाइट पर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल। तो जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पे हाइट पे जाओगे, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रिएटिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेंगे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीजेस। सो बी क्लियर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एज वी मूव अप, एज वी मूव अप टूवर्ड्स हायर एल्टीट्यूड्स, बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ एटमॉस्फेयरिक गैस मॉलिक्यूल्स। एटमॉस्फेयर के गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो डिक्रीज करेंगे, तो ऑब्वियसली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, नाउ वी विल डिस्कस सम एप्लीकेशंस। नाउ द फर्स्ट वन इज डेंसिटी ऑफ एयर इज लो एट हायर एल्टीट्यूड्स। हायर एल्टीट्यूड पे एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, तो डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू मास ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है ना बेटा, क्लियर। सो वी नो, ठीक है, एज वी मूव ऑन हायर एल्टीट्यूड, जैसे जैसे बेटा हम हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे इस तरह से, ठीक है, व्हाट हैपन्स, अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें पता है जो बॉयल्स लॉ है, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, सो जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और अगर वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीज करेगी देन डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है ना। तो वाई द डेंसिटी ऑफ एयर इज लो एट हायर एल्टीट्यूड, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, उसकी वजह से जो एयर की वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो डेंसिटी ऑफ एयर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। अब क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर कम हो चुकी है, क्लियर, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज होने से क्या होगा, ठीक है ना, देयर इज अ सिचुएशन दैट इज सेट टू बी माउंटेन सिकनेस, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एयर कम होने का मतलब हमारी बॉडी में भी ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, देर इज अ यू कैन से लीकेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम होगा। सो ड्यू टू लेस डेंसिटी ऑफ एयर देर इज अ सिचुएशन दैट इज माउंटेन सिकनेस, और इसमें क्या होता है, दैट इज द ऑक्सीजन टू आवर, और यू कैन से ऑक्सीजन लेवल इन आवर बॉडी पार्ट डिक्रीजेस विच लीड्स टू सिकनेस। सो सिंपल सा लॉजिक, अभी जैसे आप माउंटेन पे जाओगे, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज हो रही है तो हमारे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी कम होगी, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन भी कम मिलेगी। ऑक्सीजन हमें ज़्यादा कम मिलती है जब डेंसिटी ऑफ एयर ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, डेंसिटी ऑफ एयर कम होने का मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपके कम होंगे, तो हमारे बॉडी पार्ट में भी ऑक्सीजन लेवल क्या होगा, कम होगा। दिस विल लीड्स टू अ सिकनेस दैट इज सेट टू बी द माउंटेन सिकनेस। तो माउंटेन सिकनेस का भी कॉज क्या है, डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। सो नाउ टू अवॉइड दिस सिचुएशन, कि जो आपके माउंटेनियर्स हैं दे विल कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स,
सो माउंटेनियर अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों कैरी करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब वो माउंटेन पे जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से डेंसिटी ऑफ एयर कम हो जाएगी, ठीक है ना, तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए दे विल कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है ना, ताकि उनके बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डिक्रीज ना हो, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन. मेन ध्यान क्या रखना है कि एज वी मूव ऑन हायर एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीज होगी तो डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज हो जाएगी. इसकी वजह से देर इज अ कंडीशन दैट इज सेट टू बी द माउंटेन सिकनेस. और ड्यू टू दिस कंडीशन, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज है, तो माउंटेनियर क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हुई है, डेंसिटी ऑफ एयर कम होने का मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी का कम होना, उसके लिए वो क्या कैरी करते हैं अपने साथ, दे विल कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर्स. सो ये बेटा फर्स्ट एप्लीकेशन. नाउ द सेकेंड एप्लीकेशन इज द रबर बलून. Burst at higher altitudes. So क्या होगा, as ये आपका rubber balloon है, as it balloon moves toward higher altitude, what happens? The atmospheric pressure decreases, due to which volume of gas inside the balloon increases, volume increase करेगी, volume increase करने की वजह से क्या होगा, the balloon it burst, ठीक है ना, जैसे higher altitude पे जाएगा इसकी volume increase होना शुरू हो जाएगी, and there is a point then it will burst, ठीक है. चलिए this is the second. Now the third is that is the interior of jet aeroplanes are maintained at normal pressure. जो jet aeroplanes का interior है, suppose मान के चलिए this is the interior of a jet aeroplane. This I will say interior of jet aeroplane. इसमें जो प्रेशर है वो मेंटेन होता है नॉर्मल प्रेशर. अब ऐसा क्यों है, देखिए ये जो जेट एरोप्लेन है दे नॉर्मली फ्लाई एट हायर एल्टीट्यूड. ये बेटा हायर एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं, तो हायर एल्टीट्यूड पे क्या होता है, अभी हमने स्टडी किया, ड्यू टू डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेंसिटी ऑफ एयर क्या होती है, डिक्रीज होती है, ड्यू टू विच देर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन फॉर द पैसेंजर्स, ठीक है, ऑक्सीजन कम होगी एंड इट विल लीड टू डेथ. तो इस कंडीशन से बचने के लिए अब उन्होंने क्या करा है, अंदर जो प्रेशर है वो नॉर्मल है, अगर अंदर प्रेशर नॉर्मल होगा तो जो डेंसिटी ऑफ एयर है इट विल अगेन बी द नॉर्मल, डेंसिटी ऑफ एयर नॉर्मल रहेगी, ड्यू टू विच द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट डिक्रीज, जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो डिक्रीज नहीं होगी, एंड द पैसेंजर्स दे विल गेट सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, उनको वही ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी सफिशियंट एज दे आर गेटिंग ऑन ग्राउंड. सो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, अगर जेट इंटीरियर का, जेट के इंटीरियर में अगर हम प्रेशर को नॉर्मल मेंटेन ना करें, तो जैसे जेट ऊपर फ्लाई करेगा जेट के अंदर जो डेंसिटी ऑफ एयर वो डिक्रीज करेगी, ड्यू टू विच जो अंदर पैसेंजर्स हैं उनको भी ऑक्सीजन कम मिलेगी एंड इट विल लीड टू डेथ. सो ड्यू टू द रीजन जो जेट इंटीरियर के अंदर जो प्रेशर है वो वही मेंटेन होता है जो नीचे आपके लोअर एल्टीट्यूड पे है. अगर प्रेशर सेम होगा तो डेंसिटी ऑफ एयर भी सेम होगी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी सेम होगी, और किसी भी जितने भी पैसेंजर्स हैं उनके लिए जो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी डेट विल बी नॉर्मल. स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स ऑन बॉयल्स लॉ. So I have already written the numericals on Boyle's law. So the question number one says a weather balloon has a volume of 175 liter. This is a weather balloon. Iski jo volume hai that is 175 liter.
व्हेन फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस एट 1 bar, मींस जो प्रेशर है इसका दैट इज 1 bar, और इसमें कौन सी गैस फिल्ड है, इट इज फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस. नाउ ही सेज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून एट अ हाइट ऑफ 2000 meter. 2000 meter की हाइट पर वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ बलून वेयर द प्रेशर इज 0.80 bar. क्लियर. एंड ऑल्सो कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम. क्लियर. सो सिंपल बेटा, इस प्रेशर को P1 लेंगे, वॉल्यूम V1, ये वॉल्यूम V2, ये प्रेशर P2. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 equals to P2 V2. तो P1 है बेटा 1 bar, V1 है 175 liter equal to, P2 है 0.80 और V2 आपको निकालना है. सो V2 इज इक्वल टू 1 × 175 / 0.80. दिस कम्स आउट टू बी 218.75 liter. 218.75 liter. सो यहां पर जो मेरी V2 आई दैट इज 218.75 liter. अब चेंज इन वॉल्यूम निकालना है. यहां पे वॉल्यूम था 175 liter, यहां पे वॉल्यूम है 218.75 liter. सो चेंज इन वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू V2 - V1. सो V2 कितना है बेटा, 218.75 liter माइनस V1 क्या था हमारा, 175 liter. सो दिस कम्स आउट टू बी 43.75 liter. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट ही सेज, अ सैंपल ऑफ एयर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 500 decimeter cube. आप मान के चलिए ये कोई सिंपल सा लॉजिक है, ये आपका एयर का सैंपल है, इसकी जो वॉल्यूम है दैट इज 500 decimeter cube एंड अ प्रेशर ऑफ 1 bar. प्रेशर इज 1 bar. व्हाट एडिशनल प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम. हमें इसकी वॉल्यूम को रिड्यूस करना है. वी हैव टू रिड्यूस द वॉल्यूम. सो बेटा वॉल्यूम रिड्यूस करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट एडिशनल प्रेशर इज रिक्वायर्ड. अब वॉल्यूम कितनी करनी है रिड्यूस करने के बाद, 200 decimeter cube. क्लियर. सो पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में प्रेशर P1 1 bar है, वॉल्यूम V1 500 decimeter cube, V2 200 decimeter cube. तो यहां पे हम P2 कैलकुलेट करेंगे. तो यूजिंग द बॉयल्स लॉ P1 V1 equals to P2 V2. तो P1 है 1 bar, V1 है 500 decimeter cube, P2 हमें कैलकुलेट करना है, V2 है 200 decimeter cube. सो P2 इज इक्वल टू 500 / 200, 0 से 0 कैंसल, 5/2, ये आया भाई 2.5 bar. ठीक है, P2 कितना आ गया, 2.5 bar. अब ये देखो कि जब 500 decimeter cube वॉल्यूम थी तो प्रेशर था 1 bar, ठीक है ना. 200 decimeter cube है, ठीक है, ये किस प्रेशर पे है, 2.5 bar. तो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, दैट इज सेट टू बी द एडिशनल प्रेशर. मुझे कितना एडिशनल प्रेशर निकालना पड़ा, दैट इज P2 - P1. P2 आपका 2.5 बार है, माइनस P1 आपका 1 बार है, तो माइनस करके जो एडिशनल प्रेशर आएगा दैट इज 1.5 bar. मतलब यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा 1.5 बार प्रेशर लगाऊंगा तो इस जो वाटर इट से इस सैंपल ऑफ एयर की वॉल्यूम जो है वो 500 डेसीमीटर क्यूब से कितनी हो जाएगी, 200 decimeter cube. सो बेटा दिस वी हैड डन क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 में एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कशन है, डेसिकेटर. तो डेसिकेटर में एक चीज मैं बता दूं, डेसिकेटर इज द इंस्ट्रूमेंट जिसमें वॉल्यूम जो होती है, वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, उसकी वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता. तो यहां पर ही दिस इज कि दिस इज अ डेसिकेटर, एक डेसिकेटर है मेरे पास 1 liter का. द डेसिकेटर 1 liter, इट कंटेन नाइट्रोजन गैस एट 1 atmosphere. इसमें 1 atmosphere पे हमारे पास वी आर हैविंग नाइट्रोजन गैस.
इज पार्शली इवैक्यूएटेड, यहां पर लिखेंगे हम पार्शली इवैक्यूएटेड टू। पार्शली इवैक्यूएटेड का मतलब थोड़ी सी गैस हमने निकाल दी। व्हाट विल आई से, आई विल राइट लाइक दैट, पार्शली इवैक्यूएट इसको किया हमने। पार्शली इवैक्यूएटेड होने के बाद जो प्रेशर है दैट विल बी नाउ 7.6 mm। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट दिस स्टेज, यहाँ पर आपको गैस की वॉल्यूम निकालनी है। इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, यानी दोनों ही कंडीशन में टेम्परेचर आपका सेम है। अब ये भी आपका डेसिकेटर है और ये भी डेसिकेटर है, ठीक है। डेसिकेटर ये 1 लीटर का था तो ये ऑटोमेटिकली सेम है, तो ये डेसीमेटर भी 1 लीटर का है। और मैंने क्या कहा था, कुछ भी चेंज करो डेसिकेटर की वॉल्यूम चेंज नहीं होती। तो आपने यहाँ पे क्या करा, प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर से 7.6 mm कर दिया, ठीक है, नो डाउट। आपने प्रेशर क्या किया है, चेंज किया है। तो प्रेशर चेंज होने से वॉल्यूम जो है वो गैस की चेंज होनी चाहिए, बट डेसिकेटर के अंदर जो वॉल्यूम है वो कॉन्स्टेंट रहती है। देयरफोर जो आपका आंसर है, द वॉल्यूम इज 1 लीटर। तो डेसिकेटर में ध्यान रखना है जो वॉल्यूम होगी वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 1 लीटर। चलिए भी, नाउ वी विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस, कंप्रेस करना है। ये एक सैंपल है, रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 decimeter cube ऑफ एयर। दिस इज 500 decimeter cube एयर है, ठीक है। इसको कंप्रेस का प्रेशर है बेटा इसका 1 bar। व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 decimeter cube ऑफ एयर एट 1 bar टू 200 decimeter cube। इसको कंप्रेस करना है, कंप्रेस करना है किस पर, 200 decimeter cube पर। तो इसके लिए मुझे कितना मिनिमम प्रेशर चाहिए, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। और टेम्परेचर है 30 degree Celsius इस पूरे प्रोसेस में। सो इसको बेटा V1 लीजिए, इसको P1, इसको V2 और इसको P2। सो वी नो दैट P1 V1 equals to P2 V2। तो P1 कितना है भाई, 1 bar। V1 कितना है, 500 decimeter cube। P2 हमें निकालना है और V2 है 200 decimeter cube मल्टीप्लाई। सो P2 इज 500 divided by 200। सो 0 से 0 कैंसिल, 5/2, ये आपका आ गया 2.5 bar। सो 200 decimeter cube अगर आपको कंप्रेस करना है 500 से 200, तो आपको कितना प्रेशर चाहिए, मिनिमम 2.5 bar। क्लियर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अ वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी, एक ये वेसल है जिसकी कैपेसिटी है बेटा 120 ml, कंटेन्स अ गैस एट 35 degree Celsius। इसमें एक गैस है 35 degree Celsius पे, ठीक है ना, 1.2 bar प्रेशर, प्रेशर इज 1.2 bar। द गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल ऑफ 180 ml। अब इस गैस को, दिस गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल, इसको दूसरे वेसल में ट्रांसफर किया और उस वेसल की जो वॉल्यूम है वो 180 ml है, 180 ml, ठीक है। कैलकुलेट द प्रेशर, हमें यहां प्रेशर निकालना है और टेम्परेचर यहाँ पर भी जो है वो 35 degree Celsius है। सो बेटा ये V1 P1, ये V2 P2, बॉयल्स लॉ अप्लाई कीजिए, P1 V1 equals to P2 V2। सो P1 आपको गिवन है 1.2 bar, V1 120 ml है, P2 हमें फाइंड आउट करना है, V2 है 180 ml। सो P2 इज इक्वल टू 1.2 into 120 upon 180। सो ऑन डिवाइडिंग दिस कम्स आउट टू बी 0.8 bar। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, देर इज अ ग्राफ बिटवीन द प्रेशर एंड 1/V एंड वी हैव टू फाइंड आउट द बॉयल्स कॉन्स्टेंट। सो इफ आई ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द प्रेशर एंड 1/V, वी नो दैट PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K। पहले देखिए, जो PV है वो K कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है। सो P क्या हो जाएगा, K
इंटू वन अपॉन वी. सो दिस इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो इंटरसेप्ट की वैल्यू तो जीरो है क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ. वाई एक्सिस पर प्रेशर आ गया हमारा, एक्स एक्सिस पर वन अपॉन वी आ गया. तो ये जो एम है ये स्लोप होता है, ये किसके इक्वल है, बॉयल कॉन्स्टेंट के इक्वल. तो जो आपका बॉयल कॉन्स्टेंट के है दैट इज इक्वल टू द स्लोप. अब स्लोप कैसे निकालें, हमने थ्योरी में भी स्टडी करा है कि वाई एक्सिस पे मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस. तो जो आपका स्लोप आएगा, द स्लोप इज इक्वल टू, वी विल सिंपली सी दैट इज, यहां से हम स्टार्ट करते हैं. द स्लोप इज इक्वल टू, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू 4 है, ठीक है, और ये आपकी मिनिमम वैल्यू 0. सो 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 0, क्लियर. सो 4 बाई 8, 0.5 हमारा स्लोप आया, ठीक है. कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि सर मिनिमम वैल्यू तो 1 एटमॉस्फेयर. ऐसा नहीं है बेटा, ग्राफ अगर ओरिजिन से स्टार्ट है तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू है. तो स्लोप कितना आया हमारा, 0.5, और के की यूनिट आपको पता है दैट इज लीटर एटमॉस्फेयर. सो ये हमने करा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने बॉयल कॉन्स्टेंट को कैलकुलेट किया डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राफ. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में ही सेज कि देयर इज अ टेबल व्हिच शोज द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम वर्सेस 1/p. ये आपका वॉल्यूम है, ये 1/p है, ठीक है. बॉयल कॉन्स्टेंट आपको निकालना है. तो फिर से वही बात है बेटा, देखिए वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट. तो v क्या हो जाएगा, k इंटू 1/p. सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो y एक्सिस पे अगर मैं वॉल्यूम को लेके चलूं, ये आ गया वॉल्यूम, तो x एक्सिस पे क्या जाएगा, 1/p. तो जो मेरा स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, k. तो स्लोप इज इक्वल टू बॉयल्स कॉन्स्टेंट. तो स्लोप डायरेक्टली कैसे निकालें, अब मेरा y एक्सिस पे क्या है, देखो y एक्सिस पे मुझे लेके चलना है वॉल्यूम. तो वॉल्यूम में मैक्सिमम माइनस मिनिमम 8 माइनस 2, बस ये थोड़ा आप गलत मत करना. अगर आपने ये चीज़ गलत कर दी कि वाई एक्सिस पे क्या लेना है, एक्स पे क्या लेना है, तो आपका आंसर बिल्कुल रिवर्स आएगा. तो वाई एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू, वाई एक्सिस पे आपका वॉल्यूम है, उसकी मैक्सिमम 8, मिनिमम 2, 8 माइनस 2. अब एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है, 1/p, 16 माइनस 4. सो 8 माइनस 2 दिस कम्स आउट टू बी 6, और 16 माइनस 4 दिस कम्स आउट टू बी 12. सो 1/2 कम्स आउट टू बी 0.5. वॉल्यूम लीटर में है और प्रेशर एटमॉस्फेयर में, सो इट इज लीटर एटमॉस्फेयर. बहुत सिंपल कैलकुलेशंस है, ठीक है. चलिए नाउ द थर्ड एंड द लास्ट ग्राफिकल क्वेश्चन इज कैलकुलेट द बॉयल कॉन्स्टेंट फ्रॉम द ग्राफ. अब ये जो ग्राफ है ये पीवी और प्रेशर के बीच में है. तो वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, के इक्वल होता है, ठीक है. तो इस केस में जो आपका बॉयल कॉन्स्टेंट है वो ये वैल्यू आएगी दैट इज के, और ये वैल्यू कितनी है, यहां से अगर आप स्टार्ट करो तो 0 से 200 दैट इज बॉयल कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 200 लीटर एटमॉस्फेयर. सो दिस इज अबाउट द, यू कैन से द ग्राफिकल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ. फ्रेंड्स नाउ विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड ऑन द बॉयल्स लॉ. सो इन दिस कैटेगरी द क्वेश्चन नंबर 1 इज अ बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर. एक बलून है, ये रूम टेम्परेचर इट इज फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस. नाउ इट विल बर्स्ट इफ द प्रेशर एक्सीड 0.2 bar. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस बलून इट विल बर्स्ट इफ द प्रेशर एक्सीड 0.2 bar. यानी इसके अंदर जो प्रेशर है वो जब 0.2 bar से ज्यादा होगा तब ये बर्स्ट करेगा, बट 0.2 bar पे बर्स्ट नहीं करेगा. इस चीज को ध्यान रखना, इट विल नॉट बर्स्ट एट 0.2 bar. इस चीज को थोड़ा कंसिडर करेंगे. नाउ इफ एट 1 bar द गैस ऑक्यूपाइज 2.27 liter. अब 1 bar पे जो हाइड्रोजन गैस है इट ऑक्यूपाइज 2.27 liter. अप टू व्हाट वॉल्यूम द बलून कैन बी एक्सपेंडेड, वी हैव टू फाइंड आउट कि कितने वॉल्यूम तक हम बलून को
एक्सपेंड कर सकते हैं, वी कैन एक्सपेंड द बॉल्यून अप टू विच वॉल्यूम। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो आपका स्टार्टिंग प्रेशर P1 वन बार है, V1 आपका 2.27 लीटर है, आपको बताना है कि कितनी वॉल्यूम तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं विदाउट बर्स्टिंग। सो यहां पर मुझे अब प्रेशर की नीड होगी, तो प्रेशर मैं लूंगा 0.2 बार। क्यों लूंगा 0.2 बार? क्योंकि बेटा 0.2 बार पे वो बर्स्ट नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ वी सिंपली अप्लाई P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। सो P1 आपका 1 बार, V1 आपका 2.27 लीटर, P2 0.2 बार, V2 आपको कैलकुलेट करना है। सो V2 इज इक्वल टू 1 × 2.27 डिवाइडेड बाय 0.2 कम्स आउट टू बी 11.35 लीटर। अब इस क्वेश्चन में सिंपल एक लॉजिक था कि भी हमें वॉल्यूम निकालनी है जिस तक हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो प्रेशर क्या लेंगे? अब यहां पर हमने देखा कि ही सेज कि जब प्रेशर एक्सीड करेगा 0.2 बार पर, तो यहां पर नॉर्मली हमारी नजर नहीं जाती है, बट फिर ध्यान से देखने पर एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि इट विल नॉट बर्स्ट एट 0.2 बार। तो यहां पर हम प्रेशर क्या लेंगे? 0.2 बार, ठीक है। जो आपके इंटरेस्ट न्यूमेरिकल होते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी आपको यू कैन से एडवांस लेवल की चीजें होती है, जो बिल्कुल ध्यान से आप देखोगे देन यू विल गेट ऑल दिस, क्लियर। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 1, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज, थोड़ा ध्यान से देखना, ही सेज अ थिन ग्लास बल्ब ऑफ 100 ml कैपेसिटी इवैक्यूएटेड एंड कैप्ट इन 2 लीटर कंटेनर। ये एक 2 लीटर का कंटेनर है, इसमें आपने एक ग्लास बल्ब, कैसा ग्लास बल्ब? इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब रखा है, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल क्लियर, और प्रेशर है यहां पे ऑफ थिन ग्लास बल्ब ऑफ 100 ml कैपेसिटी। बेटा थोड़ा एक बार फिर से देखते हैं, ही सेज थिन ग्लास बल्ब ऑफ 100 ml कैपेसिटी, इसकी वॉल्यूम भी गिवन है, इसकी वॉल्यूम कितनी है 100 ml, इवैक्यूएट एंड कैप्ट इन 2 लीटर कंटेनर, ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 800 ml, यानी यहां जो प्रेशर है वो कितना है 800 ml। इफ द बल्ब इम्प्लोड आइसोथर्मली, इम्प्लोड का मतलब क्या होता है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इम्प्लोड? इम्प्लोड मीन्स अगर ये ग्लास बल्ब कोलैप्स हो जाए, कोलैप्स होने के बाद क्या होगा, ये कोलैप्स दिस वे, कोलैप्स होने के बाद ही सेज आइसोथर्मली का मतलब क्या है, कोलैप्स कब हो रहा है? ही सेज दैट आइसोथर्मली ये कोलैप्स हो रहा है, आइसोथर्मली का मतलब होता है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, आइसो मीन्स सेम और थर्मल का मतलब टेम्परेचर। तो ये जो यहां पर ग्लास बल्ब है ये कोलैप्स होगा आइसोथर्मली, यानी इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर क्या हो गया, कॉन्स्टेंट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रेशर इन द कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर जो नया प्रेशर है वो फाइंड आउट करना है P2। स्टार्टिंग प्रेशर था 800 ml। अब देखिए कैसे वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग वॉल्यूम है V1, ये कंटेनर 2 लीटर का है, तो 2 लीटर का मतलब 2000 ml, इसमें से ये जो आपने यहाँ डाला था इसकी वॉल्यूम माइनस करनी पड़ेगी, सो माइनस 100 ml। तो स्टार्टिंग में जो इसकी वॉल्यूम है दैट इज 1900 ml। V2 क्या हो गया भाई आपका? V2 इज सिंपल 2 लीटर का मतलब 2000 ml। अब P1 जो है, P1 इज 800 ml, और बेटा आपको कैलकुलेट करना है P2, बिल्कुल क्लियर, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। सो वी विल यूज बॉयल्स लॉ, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। सो P1 800, V1 है 1900, इक्वल्स टू P2 फाइंड आउट करना है, और V2 है 2000। सो P2 इज इक्वल टू 800 × 1900 अपॉन में 2000, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। ऑन सॉल्विंग दिस, एक जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगी, सो 2 से हो जाएगा, ये आ जाएगा 40। सो ऑन सॉल्विंग दिस द P2 कम्स आउट टू बी 760 ml, यानी जो फाइनल प्रेशर है वो कितना है अब 760 ml। सो बिल्कुल सिंपल है, एंट्रेंस में देखो लगा बॉयल्स लॉ है, बट एक सिंपल चीज हमें समझ में आई कि जो शुरू में मुझे वॉल्यूम लेनी है वो 2 लीटर में से 100 ml को माइनस करके लेनी है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट था, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए सो दिस वी हैड डन क्वेश्चन नंबर 2, नाउ क्वेश्चन नंबर 3।
ही सेज एक मैनोमीटर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में, यू नो दिस इज अ मैनोमीटर, ठीक है. ही सेज इन मैनोमीटर द वॉल्यूम ऑफ एयर कॉलम, वॉल्यूम ऑफ एयर कॉलम का मतलब देखिए बेटा यहां पर जो है ये इस तरह से कनेक्टेड होता है और इसमें जो है ये आपकी मर्करी फील्ड होती है, ठीक है. सो अब क्योंकि ये एयर कॉलम यानी ये जो चीज आ गई, अब यहां पर आपकी एयर है तो इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं क्या कहूंगा, एयर कॉलम. ये ध्यान रखना है आपको क्योंकि यहां से ओपन एंड मैनोमीटर है, ओ ई एम, तो ओपन एंड मैनोमीटर में ये चीज ओपन होगी, यहां पर आपका एटमॉस्फेयर है तो ये आपका क्या बना, एयर कॉलम. तो एयर कॉलम की वॉल्यूम कितनी है, 4.2 ml. क्लियर, ठीक है. अब इसने कहा मर्करी लेवल दोनों लिम्स में सेम है, बिल्कुल मैंने सेम मर्करी लेवल यहां पे कर दिया. अब ही सेज इफ द मर्करी इज एडेड, हम मर्करी ऐड कर देते हैं यहां से, ठीक है ना, हमने मर्करी को ऐड कर दिया. तो मर्करी ऐड करने के बाद ये देखिए यहां पर मैं इसी डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं. मर्करी जब आप ऐड करोगे, ठीक है, तो मर्करी ऐड करने के बाद ये देखिए बेटा यहां पे मर्करी का लेवल इंक्रीज हो गया. यहां पे अब मर्करी का लेवल इंक्रीज होगा तो जो एयर कॉलम पहले 4.2 ml का था वो अब कितना रह गया आपका, 2.8 ml. और अब इसकी वजह से जो आपकी हाइट ऑफ मर्करी है वो भी दोनों कॉलम में इक्वल नहीं रही. सो इफ द मर्करी इज एडेड वॉल्यूम ऑफ एयर कॉलम इज 2.8 ml, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्करी. अब आपको ये h बताना है, डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्करी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास जो स्टार्टिंग वॉल्यूम है V1 वो बेटा 4.2 ml है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू, स्टार्टिंग वॉल्यूम इज 4.2 ml. अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल जो यहां पर ही सेज, क्वेश्चन को थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट ये लिखा हुआ है, सॉरी दिस वन. ही सेज मर्करी लेवल इन द टू लिम्स इफ द मर्करी इज एडेड. तो यहां पर क्योंकि आप अब ओपन एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हो, किस में काम कर रहे हो आप, ओपन एटमॉस्फेयर में. सो व्हेन वी विल वर्क इन द ओपन एटमॉस्फेयर, तो इस कंडीशन में ध्यान रखना है जो P1 आप लेकर चलोगे वो 1 bar, ठीक है ना. ओपन एटमॉस्फेयर में स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 bar, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो इट्स ओके, नहीं है तो आपको लेके चलना पड़ेगा. तो P1 कितना हो गया बेटा यहां पे, 1 bar. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ V2 क्या है, यहां पे चेक करो, 2.8 ml. सो P2 हम कैलकुलेट करेंगे पहले यूजिंग द फॉर्मूला P1V1 = P2V2. सिर्फ एक ही था यहां पे लूप हो कि हमें यहां पर जो था स्टार्टिंग में प्रेशर नहीं गिवन था, तो मैं क्लियर कहूंगा कि जो आपका स्टैंडर्ड प्रेशर है वो 1 bar, ठीक है. नॉर्मली 1 atmosphere भी लेते हैं, वैसे इसमें ज्यादा डिफरेंस है नहीं बिकॉज ऑल ऑफ यू नो कि 0.987 जो क्वांटिटी है वो नियर अबाउट 1 के इक्वल ही है, तो कोई ज्यादा वेरिएशन आएगा नहीं इस चीज में. चलिए, सो P1 इज 1, V1 इज 4.2, P2 हम फाइंड आउट करेंगे बेटा और V2 है 2.8. सो P2 इज इक्वल टू 4.2 डिवाइड बाई 2.8 कम्स आउट टू बी 1.5 bar. अब ये आ गया हमारा प्रेशर, ठीक है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब बिल्कुल ध्यान से करना है, देखिए तो यहां पर अब पहले हम देखेंगे कि डिफरेंस इन प्रेशर कितना है. पहले प्रेशर यहां कितना था, 1 bar, यहां पर प्रेशर कितना आया बेटा, 1.5 bar. क्लियर, तो डिफरेंस इन प्रेशर P2 - P1 1.5 - 1, इस डायग्राम को बेटा थोड़ा सा रिमूव करते हैं. सो डिफरेंस इन प्रेशर P2 - P1 1.5 - 1.0 0.5 bar, ठीक है. अब आपको अच्छी तरह से पता है कि 1.01325 bar जब प्रेशर होता है, क्लियर, तो जो हाइट होती है वो होती है 760 mm ऑफ मर्करी. देखिए कैसे निकाला मैंने, जब आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वहां पे लेक्चर दिया था, ठीक है ना, मैनोमीटर का लेक्चर दिया था बैरोमीटर पे, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी प्रेशर के यूनिट्स होती हैं, ठीक है, 1 atmosphere इज इक्वल टू 760 mm 76 सेंटीमीटर, 1 atmosphere इज इक्वल टू 1.01325 bar,
इज इक्वल टू 760 mm, तो वहीं से एक रिलेशन आया था कि 1.01325 बार अगर प्रेशर है तो मरकरी में जो डिफरेंस इन द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम है वो कितना होगा 760 mm. तो हमारा कितना प्रेशर आया, हमारा जो प्रेशर आया अब दैट इज 0.5 बार. तो इस केस में 760 अपॉन 1.01325 इनटू 0.5 तो ये आएगा बेटा 375. क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस कम्स आउट टू बी 375 mm. तो ये जो हाइट आई ये कितनी आई 375 mm. क्लियर, तो बिल्कुल सिंपल था. यहाँ पे हमने अंदाजा लगाया भाई इनिशियल प्रेशर निकालो गिवन है, फाइनल प्रेशर निकाला उससे डिफरेंस इन प्रेशर आया और फिर प्रेशर और हाइट के बीच में रिलेशन पता है ठीक है कि 1.01325 बार इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मरकरी. सो दिस इज रिगार्डिंग न्यूमेरिकल नंबर 3. नाउ वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल नंबर 4, द लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4, इट इज रिटन सिंपली A human adult breathes 0.50 decimeter cube of air at 1 bar. कोई भी human जो है वो single breath में कितनी air लेगा, single breath में he will use 0.50 decimeter cube of air at 1 bar pressure. 1 bar, चलिए ठीक है. विद ईच ब्रीथ इफ एन एयर टैंक होल्ड्स, ये एक एयर टैंक है, दिस इज एन एयर टैंक ठीक है, इट होल्ड्स 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ, इट होल्ड्स 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर, कितनी एयर है बेटा इसमें 100 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 200 बार प्रेशर, प्रेशर 200 बार है. हाउ मेनी ब्रीथ द टैंक विल सप्लाई, इस टैंक से मुझे कितने ब्रीथ मिल सकते हैं, नंबर ऑफ ब्रीथ्स. तो सिंपल सा लॉजिक है, नंबर ऑफ ब्रीथ का फॉर्मूला क्या मिलेगा, ये टैंक मुझे कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर प्रोवाइड करेगा डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ सिंगल ब्रीथ, एक ब्रीथ में कितनी वेयर लगेगी. सो यहां पर सिंपल मुझे निकालना है कि ये जो टैंक है इससे मुझे टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी मिलेगी और वो उसी प्रेशर पे 1 बार, ध्यान रखना है क्योंकि हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं वो 1 बार पे इनहेल कर रहे हैं. तो यहां से मुझे टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर निकालनी है 1 बार पे. तो हमारा जो फॉर्मूला होगा देखिए, ये V1 हो गया आपका 100 डेसीमीटर क्यूब, P1 हो गया आपका 200 बार. मैं जो एयर इनहेल करूंगा वो किस प्रेशर पे करूंगा, 1 बार प्रेशर पे, ये 200 है. तो यहां पर अब मैं कैलकुलेट करूंगा V2, यानी इस कंटेनर से मुझे टोटल वॉल्यूम क्या मिलेगी. सो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. सो 200 इंटू 100 इक्वल्स टू P2 इज 1 इंटू V2, हमें फाइंड आउट करना है. सो V2 कम्स आउट टू बी डायरेक्टली 200 इंटू 100 20,000 डेसीमीटर क्यूब, यानी जो टोटल मेरे को वॉल्यूम ऑफ एयर मिली वो कितनी मिली बेटा 20,000 डेसीमीटर क्यूब. और सिंगल ब्रीद में कितनी लग रही है 0.50 डेसीमीटर क्यूब. सो डिवाइड करने पर मुझे आएगा दैट इज टोटल 40,000 ब्रीथ मेरे को मिलने वाली है. सिर्फ एक लॉजिक क्या था कि इस टैंक में जो वॉल्यूम ऑफ है वो 100 डेसीमीटर क्यूब ठीक है, यहाँ प्रेशर 200 बार है और जो हम इनहेल करते हैं वो 1 बार पे इनहेल करते हैं. तो मैंने यहाँ पर बॉयल्स लॉ से इस 200 बार, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जब इसको मैं 1 बार करूंगा तो 100 डेसीमीटर की बजाय मुझे जो टोटल एयर मिलेगी वो 20,000 डेसीमीटर क्यूब मिलेगी डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम सिंगल ब्रीथ में यूज करेंगे, देन द नंबर ऑफ ब्रीथ आई वो हमारी आई 40,000 ब्रीथ.